चोर समझ चीता टास्क फोर्स पर ग्रामीणों ने किया हमला, हवाई फायर कर गाड़ी की तोड़फोड़ कर दी, मामला दर्ज। खबर पोहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बूरा खेड़ा की है, जहां मादा चीता आशा की लोकेशन ट्रेस करने पहुंचे चीता टास्क फोर्स को ग्रामीणों ने चोर समझ हवाई फायर कर मारपीट कर दी, जिसमें 3 वनकर्मी घायल हो गए। वहीं मौके पर मौजूद गाड़ी भी तोड़फोड़ कर डाली। इस मामले में पोहरी थाने में आवेदन सौंपा है, जिसके बाद कार्यवाही की जाएगी। जानकारी के अनुसार मादा चीता आशा कोनो सेंचुरी से भाग कर बूराखेड़ा गांव पहुंच गई, जहां देर रात 1 बजे चीता ट्रैकिंग दल बूराखेड़ा पहुंचे और ट्रैकिंग करने लगे, जहां सुबह 4 बजे मौसम खराब होने के चलते आंधी तूफान आया तो दल गाड़ी में आकर बैठ गए, जहां टॉर्च की रोशनी नजर आई, साथ ही फायर की आवाज़ आई, जिसके बाद एक राय होकर ग्रामीण पहुंचे और दल पर हमला कर दिया गया। जहां पर इस घटनाक्रम में चीता ट्रैकिंग दल के पवन अग्रवाल, विकेश गुर्जर, हुकुम सिंह यादव घायल हो गए, वहीं ग्रामीणों ने गाड़ी की तोड़फोड़ कर दी। दल ने ग्रामीणों को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने और मारपीट कर दी। पुलिस ने मामले में घायलों का मेडिकल कराकर जाँच शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन मवेशी चोरी की घटना सामने आ रही है, ऐसे उन्हें लगा कि ये लोग मवेशी चोरी करने आए हैं। ग्रामीणों के बार बार पूछने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद ये घटना घटी। पोरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सर, चीता टैकिंग जो टीम है उस पर हमला हुआ, सर बताएंगे पूरा मामला क्या है? ये कभी रात्रि सुबह 4 बजे की बात है, जो कूनो वनमंडल की जो चीता ट्रैकिंग टीम है वो चीता आशा का पीछा करते हुए दूर खेड़ा गांव के पास थी, जहां पर ये लोग अपनी बोलेरो एक गाड़ी थी उसमें आंधी तूफान बारिश की वजह से बैठे हुए थे, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि कुछ लोग टॉर्च लेकर के इनकी तरफ इशारा कर रहे थे, और उनमें से कुछ लोगों ने इनसे पूछा कि आप लोग कौन हो, तो इस आधार पर उन्होंने किसी ने लाठी फेंक के मारी। अभी वो लोग अज्ञात है, अभी पता नहीं चला है। तो दूर खेड़ा तालाब के पास ये पूरी घटना हुई है, जिसमें अभी कायमी कर ली गई है 353, 334, 534 में, और अभी कायमी करके अपराध को विवेचना में लिया गया है। जैसे जैसे जो भी इसमें पता चलता जाएगा कि हम जो भी आरोपी होंगे उन पर कार्रवाई की है। सर, कितने व्यक्ति हैं अज्ञात में? अभी तो 10-15 लोग इनके द्वारा अज्ञात बताए गए हैं, अभी उनके बारे में विशेष कोई जानकारी नहीं मिली है। हम गाँव वालों से पूछताछ कर रहे हैं कि कौन लोग थे, क्या थे, अभी ये विवेचना पर है। कोई घायल हुआ सर इनमें से? हाँ, इनमें एक वनरक्षक घायल हुआ है, जिसका मेडिकल कराया गया है।